बात 30 अगस्त 2022 की रात की है। कतर में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को खुफिया विभाग के अधिकारियों ने उठा लिया। जेल में बंद किए गए ये भारतीय नागरिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे। इन भारतीयों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इजराइल से साझा करने का आरोप है। कतर में ऐसे आरोपों के साबित होने पर मौत की सजा का प्रावधान है। जेल में बंद ये भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी ने न सिर्फ भारत और कतर के संबंधों में खटास पैदा कर दी है, बल्कि इन्हें सही सलामत देश वापस लाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. पाशा कहते हैं, यह मामला भारत सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द और बड़ी चुनौती बन गई है। इटली और रोमानिया में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा स्वीकार करते हैं कि भारतीय नागरिकों के खिलाफ मामलों को वापस लेना और उन्हें भारत वापस लाना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजीव डोगरा 1980 के दशक के अंत में कतर में भारतीय दूतावास में राजनयिक भी थे। वे कहते हैं, गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक महत्वपूर्ण लोग हैं। उन्होंने जीवन भर भारतीय नौसेना में काम किया है। उनके परिवारों की आशा बंधी है कि उन्हें घर वापस लाया जाएगा। जॉर्जिया और अर्मीनिया के पूर्व भारतीय राजदूत अचल मल्होत्रा का कहना है कि भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करना और उन्हें वापस घर लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अचल मल्होत्रा का कहना है कि यह देखना भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें दूतावास से पर्याप्त कानूनी और दूसरी तरह की मदद मिले। आसिफ शुजा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च फेलो हैं। वो इसे भारत सरकार की चुनौती नहीं मानते। वो कैद किए गए भारतीयों के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इन भारतीयों को रिहा कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर अगर कतर की सरकार खामोश है तो भारत सरकार ने भी ज्यादा खुलकर कुछ नहीं कहा है। पिछले दिनों जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम कतर के अधिकारियों के भी संपर्क में हैं और दोहा में हमारा दूतावास परिवारों के संपर्क में बना हुआ है। कतर की ओर से आरोपों पर जानकारी न देने की वजह से कैद में रह रहे भारतीयों की स्थिति और जटिल होती जा रही है। मार्च के अंत में अदालत की पहली सुनवाई के बाद 3 मई को दूसरी सुनवाई में अभियोजन पक्ष को आरोपों को सार्वजनिक करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय दूतावास की तरफ से नियुक्त किए गए वकील ने अभियोजन पक्ष से दस्तावेजों और आरोपों की जानकारी साझा करने को कहा ताकि बचाव तैयार किया जा सके। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए नई तारीख नहीं दी है। राजनयिकों का कहना है कि भारत के लिए यह जरूरी है कि वो जेल में बंद अपने नागरिकों को अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अच्छे वकीलों की सेवा दे, लेकिन ये काफी नहीं होगा। 27 लाख से भी कम आबादी वाला देश कतर भारत की तुलना में एक छोटा देश जरूर है, लेकिन यह कमजोर और ताकतवर के बीच का मुकाबला बिल्कुल नहीं है। कतर ने सऊदी अरब जैसे बड़े और शक्तिशाली पड़ोसियों को टक्कर दी है। जानकारों का कहना है कि कतर अमेरिका के बेहद करीब है, इसके बावजूद वह अपनी ताकतवर दोस्त से नहीं डरता। साल 2023 भारत और कतर के लिए द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जश्न का साल होने वाला था। इसके बजाय दोनों देशों के बीच संबंधों में एक असहज शांति और एक स्पष्ट तनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कतर की राजकीय यात्रा पर गए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कतर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन रिश्तों में गर्माहट और गर्मजोशी फिलहाल नदारद है। एक ओर जहां कुछ जानकार आशंकित हैं, वहीं कुछ बेहद आशावान भी हैं। तो क्या अब इस मामले में पीएम मोदी के हस्तक्षेप करने की जरूरत है? कई जानकार कहते हैं कि अभी पीएम मोदी के हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया है। अचल मल्होत्रा के मुताबिक इस मामले में प्रधानमंत्री के दखल के लिए जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। वे कहते हैं, ऐसा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुकदमे की धीमी गति का मतलब है जेल में बंद भारतीयों के परिजनों के लिए लंबा इंतजार, और ये भारत सरकार के सब्र का इम्तिहान भी है। अगर मोदी सरकार उन्हें देश वापस लाने में कामयाब भी हो गई तो इसमें काफी वक्त लग सकता है।